नमस्ते एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल विश्व विचार। और आज हम बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, वो है ब्रेकअप। जी हाँ, ब्रेकअप इतना हर्टफुल क्यों होता है? हम इसको एज अ टॉपिक इसलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि कोई इसको इतना सीरियस लेता ही नहीं है। मैं आपको बता दूं, एक सर्वे में तो ब्रेकअप के लिए यहाँ तक कहा गया है कि जब ब्रेकअप होता है तो माइंड इतना स्ट्रेस लेने लगता है कि उस टाइम पर उसकी डेथ तक हो सकती है। लोग आपसे उस टाइम पर बहुत सी बात कहेंगे, आपको बहुत नॉलेज देंगे, बट हमारा बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर ही इस तरीके से बना है कि हमें ज़रूरत होती है। ये सभी में होता है, चाहे आप जानवरों में देख लो या आप मतलब जो ये बात कह रहे हैं उनकी लाइफ में भी ये होता है। मीन्स मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच हमेशा ही अट्रैक्शन होता है, मीन्स अपोजिट सेक्स के बीच अट्रैक्शन होगा ही। तो चलिए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और हम पहले बात कर लेते हैं हमें खुशी कब कब मिलती है, क्योंकि इसके साथ हमें रहने में खुशी मिलती है, हम उसी के साथ ही रिलेशनशिप में आते हैं। इसलिए हम बात कर लेते हैं पहले कि हमें खुशी कब कब मिलती है। और उसमें हम पहले बात करते हैं एकम्प्लिशमेंट की। एकम्प्लिशमेंट मीन्स जब आप कभी अपना टास्क पूरा कर लेते हैं या कोई अचीवमेंट गेन कर लेते हैं, चाहे करियर में हो, जॉब में हो, एजुकेशन में हो, उस टाइम पर जो सुकून मिलता है ना, उसी को हम एकम्प्लिशमेंट कहते हैं। और खुशी मिलती है हमें रिलेशनशिप या फ्रेंड्स, फैमिली या लाइफ पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करने से, अपने हॉबीज इंटरेस्ट के ऊपर काम करने से, डोनेशन देने से, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने से, और सबसे इम्पोर्टेंट है जब हम अपनी सेल्फ केयर करते हैं, चाहे फिजिकली हो या मेंटली। सो जाओ, आराम कर लो, बहुत सुकून मिलता है। ये तो होगी चलो खुशी की बात। अब हम एक बार बात कर लेते हैं कि हमें दुख कब कब होता है। दुख होता है जब हम लूज कर लेते हैं अपने लव वन को या किसी रिलेशनशिप को, या जब हम किसी नए प्लेस पर हमेशा के लिए चले जाते हैं, या जॉब चेंज करनी पड़ती है, या अनएक्सपेक्टेड और अनडिजायर्ड थिंग होने लगे हमारी लाइफ में, तो हमें दुख होगा। दुख में हेल्थ कंडीशन जैसे डिप्रेशन, एंग्जाइटी, फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम जैसे क्रॉनिक इलनेस जब होता है, जब हमें अपनी फीलिंग्स उनको तक शेयर नहीं कर पाते जो हमें मोटिवेट करते हैं, स्ट्रेस एंड लोनलीनेस में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत ही दिक्कत। बट ये दिक्कत होती क्यों है? होती है हमारे हार्मोन्स की वजह से। थोड़ा हम हार्मोन्स के बारे में जान लेते हैं। तो पहले हम जानते हैं सेरोटोनिन, जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर होता है, ये हमारे मूड और डिप्रेशन से लिंक्ड होता है। सेरोटोनिन कुछ और फैक्टर पर भी डिपेंड होता है, जैसे हमारी डाइट पर, एक्सरसाइज पर, या एक्सपोज टू नेचुरल लाइट उस पर भी। मतलब जब आप कभी आप देखें बाहर का मौसम भी अच्छा होता है, मतलब हमें अच्छी फीलिंग आती है ना, तो सेरोटोनिन वो एक वही हार्मोन है जो हमें खुशी देता है। तो नेक्स्ट हार्मोन्स के ऊपर बात करते हैं तो वो होता है डोपामिन। ये भी एक न्यूरोट्रांसमीटर है, बट ये तब रिलीज होता है जब हम कोई रिवार्ड या प्लेजर की फीलिंग आए, ईटिंग, एक्सरसाइज एंड सेक्स करने से भी रिलीज हो जाता है। और नेक्स्ट है हमारा एंड्रोपिन, ये एक नेचुरल पेन किलर है, तब रिलीज होता है जब हम हंसते हैं या कोई प्लेजरेबल एक्टिविटीज करते हैं। और नेक्स्ट है हमारा कार्टिसोल, ये एक स्ट्रेस हार्मोन है, ये एक ऐसा हार्मोन है सारे हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर देता है, इसकी वजह से हमें पेन होता है। और नेक्स्ट हार्मोन की बात करें, और जो कि आज का हमारा लास्ट हार्मोन भी होगा, और आपको समझ में आ जाएगा इस हार्मोन से कि आपको ब्रेक के बाद पेन क्यों होता है, ऑक्सीटॉक्सिन। ये ऐसा हार्मोन है, ये लव हार्मोन भी कहा जाता है इसको। जब कोई लवर हमें टच करता है या उसके बाद जो करंट से लगता है ना, ये वही कारण है भाई, इसी की वजह से ही, ऑक्सीटॉक्सिन की वजह से ही वो चीज़ हमें फील होता है। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा, ब्रेकअप के बाद पेन क्यों होता है। इसका कोई इलाज नहीं है, ठीक है। बस जिस एज में आप जो काम कर रहे हैं ना, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ कुछ इंटरेस्टिंग नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन दिस विचार। थैंक यू गाइज़।